हेलो एवरीवन दिस इज ट्रेडिंग वेलकम टू माय चैनल सो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो कि आपको आज भी काम आएंगी एंड आफ्टर थ्री टू फाइव इयर्स तक आपके लिए आपके साथ रहेंगी ठीक है एंड यू मस्ट हैव हर्ड कि अगर आप किसी एक अंडर वैल्यूड स्टॉक को या किसी एक सेक्टर uh, को या फिर किसी एक इंडेक्स को अगर आप सही टाइम पे उठा लें जो कि उस टाइम पर अंडर uh, वैल्यूड है ठीक है एंड इट इज अ गुड क्वालिटी ठीक है एंड उसमें मोमेंटम आने के भी काफी ज्यादा चांसेस होते हैं तो अगर आप उस स्टॉक को uh, किसी सही टाइम पर उठा लें सो यू कैन एक्चुअली सी अ गुड ग्रोथ इन योर पोर्टफोलियो सो अगर हम गुड ग्रोथ की बात करें सो वी आर टॉकिंग अबाउट अ टाइम फ्रेम ऑफ नियरली अबाउट थ्री टू फाइव इयर्स, वेयर यू कैन इजीली सी हंड्रेड परसेंट हंड्रेड से ज्यादा या अच्छा खासा आपको मोमेंटम uh, देखने को मिल सकता है ठीक है सो आज के इस वीडियो में हम ऐसी ही कुछ एक डिस्कशन करने वाले हैं

हर सेक्टर में कभी ना कभी एक बूम आया है केमिकल सेक्टर में आया है एफएमसीजी में एफएमसीजी हैज़ ऑलवेज़ बीन अ फेवरेट ऑफ मैनी फंड हाउसेज एज वेल सो हर सेक्टर में कभी ना कभी एक काफी अच्छा बूम आया है एंड अगर किसी सेक्टर को और उसके और उस सेक्टर के सेलेक्टेड स्टॉक्स को अंडर स्टॉक्स को जिनके अंदर क्वालिटी है जिनके अंदर अच्छा खासा मोमेंटम आने वाला है इफ हैज बीन पिक्ड एट एन अर्टेज स्टेज एंड डेफिनेटली ये सारे के सारे स्टॉक्स है एफ आई एस डी आई एस म्यूचुअल फंड हाउसेज है सो दैट इज वाई दे आर एबल टू गेव सो मच ऑफ रिटर्न इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और मे बी ए लॉन्गर टर्न एज वेल सो अगर इफ यू गाइज कैन टेक इट अप अगर आप लोगों को पता चल जाए सो वु एंड दैट बी अ ग्रेट थिंग सो वही चीज आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ सो Uh, आप लोग प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा बिकॉज इफ यू डू नॉट वॉच दिस वीडियो कम्पलीटली सो आप कुछ चीजें समझ नहीं पाएंगे एंड देन एट द एंड ऑफ द वीडियो यू विल से कि सर हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया बिकॉज आप फॉरवर्ड फॉरवर्ड करके देखेंगे बिकॉज दीज ये फॉरवर्ड करके नहीं देखे जा सकते हैं यू हैव टू अंडरस्टैंड वॉट आई एम ट्राइंग टू से वॉट आई एम कन्वेइंग वॉट मैसेज आई एम कन्वेइंग टू यू विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो So, remember this thing. And before I start this video, I would like to uh, put it on record that I am not a SEBI registered IA or RA, as per uh, SEBI regulations 2013 and 14 and above. So, uh, please, uh, whatever I'll be teaching, whatever I'll be discussing in this video are solely for educational purposes. And please uh, do not consider that I am recommending anything or any security or any stock to buy, sell,

whatever happens you will not stop eating your dal chawal or roti sabji in in the uh, in future okay so and apart from that you will not forget to take your pills at night so these are the two things which have been uh, in the market so that is the fmcg and pharma

Profit booking आएगा overvalued है market, है ठीक uh, काफी सारे uh, लोग हैं सिर्फ आर सिर्फ आई को देखते रहते हैं इस दुनिया में और कहते और कहते हैं कि सो आर so आई अगर तीस हो गया तो अंडर है, अंडर वैल्यूड है आर अगर सत्तर हो गया ओवरबॉर्ड है विच इज दिसकन्सेप्शन एंड दिस इज वॉट दे थिंक दर ऑफ आई इज बट फ्री वीडियो पे केवल यही बता जाता है बिकॉज आर का असली महत्व तो क्या है वो कभी आपको नहीं बताया जाएगा ठीक है सो एज ऑफ नाउ इफ यू आस्क मी यस आई थोड़ा सा ओवरबॉर्ड जोन में है ठीक है एंड पीपल हैव बीन सेइंग कि बहुत ज्यादा है ओवर वैल्यू है प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेशन है बट ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मार्केट पूरा ही पूरा नीचे चला जाए हर सेक्टर बुरी तरह से नीचे गिर जाए जस्ट बिकॉज एवरीथिंग इज बीइंग ओवरब्रॉड यू मस्ट एफर्ट कि मार्केट जो है अभी काफी फ्रोती वैल्युएशन में है ठीक है अभी रिसेंटली uh, 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 जब सेंसेक्स ने एटी थाउजेंड टच करा तो एक uh, हमारे जो सी बी आई है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड उनका एक कमेंट uh, आया था दैट बैकबोन शुड बी वेरी मच स्टेबल इफ दिस मच ऑफ राइज म्यूट राइज इज बींग सीन इन द सेंसेक्स एंड इंडियन स्टॉक मार्केट ठीक है सो ही एक्सपेक्टेड दैट से बी मे बी पुटिंग ऑन सम गुड

Nothing comes up, then what? You will miss the rally. So before getting into anything, before understanding what people are trying to convey the message to you, because And I have been telling my students ki market is long, market is long, and market has reached from 23,000 to 24,300. When bank nifty has touched nearly about uh 50,000 that is the time I said bank nifty is undervalued, it will it its real value is nearly about 71,000 which i am expecting that presently other 71,000 would be the fair value of bank nifty. you can mark my words, you can quote me also. take okay? it that the fair value of bank nifty is 71,000 at present, but bank nifty is quoting 50,000, which is presently undervalued. Okay? but people are still saying that bank nifty is highly valued, overvalued, overbought, which i tends to differ. ठीक है बट येट मार्केट हैज सीन अ मेट्योरल राइज एंड कभी भी मार्केट जो है वो कभी भी इस तरह नहीं जाता ऑलवेज मार्केट ऐसे 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 ही जाता है अगर इस तरह से जाएगा तो वापस भी इसी तरह आएगा जितना बड़ा इंपल्सिव मूव होगा उससे फिफ्टी परसेंट का आपका एक पुल uh, बैक आना ही जरूरी है सो इंपल्सिव मूव पुल बैक इम्पलसिव मूव पुल बैक इम्पलसिव मूव पुल बैक सो मार्केट हैज टू राइज लाइक दिस ओनली ठीक है मेकिंग अ चैनल मेकिंग अ पैटर्न ठीक है इफ देर इज नो पैटर्न इट मीन समथिंग इज अ बेड फिशी थोड़ा बहुत ऊपर है एंड देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट एक पुल बैक अच्छा खासा पुल बैक आने के चांसेस है सो प्रेजेंट मार्केट इज इन दिस

जुलाई के महीने में ही अभी तक छह ही दिन हुए बॉट मोर देन फाइव थाउजेंड करोर्स फाइव थाउजेंड करोर्स ऑलरेडी बॉट वॉट आर देर इफ मार्केट इज ओवर बॉट मार्केट एक साइड तो यही लोग है जो कह रहे हैं कि मार्केट ओवर बॉट है ओवर वैल्यूड है फ्रॉदी वैल्यूएशन -E हाँ है पीई रेशियो बहुत हाई है देर इज अ पॉसिबिलिटी मार्केट में क्रैश दिस इज वॉट ऑल्सो टेंडेंसी दैट पीपल है लास्ट मंथ भी उन्होंने अच्छा खासा बाय किया था तो फिर ये क्यों खरीद रहे हैं अगर एक साइड तो ये कह रहे हैं एक साइड ये कर रहे हैं सो देयर मस्ट बी समथिंग दैट वी आर मिसिंग देयर मस्ट बी समथिंग दैट दे आर अवेयर कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द मार्केट ठीक है विच वी डोंट ठीक है सो इसी इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वो चीजें डिस्कस करने वाला हूँ। सो so, जब कभी भी मार्केट में अगर ऐसा होता है कि पीपल आर सेइंग ओवरबॉट ओवरवैल्यूड फॉर द वैल्यूेशंस दिस एंड दैट ये वो सो ऑलवेज रिमेंबर देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट सेक्टर रोटेशन में आता है ठीक है आपने हमेशा सुना होगा किसी भी सेक्टर का टाइम आता है ठीक है 2016 से लेकर 2019 तक देयर वाज अ टाइम ऑफ आईटी देन उसके बाद अ से क्रैशन ट्वेंटी से लेकर ट्वेंटी ट्वेंटी से लेकर ट्वेंटी टू तक आई टी का टाइम आयान ट्वेंटी टू से लेकर आई टी uh, बुरी तरह से डाउन है ट्वेंटी से लेकर ट्वेंटी फोर तक कंटिन्यूसली ट्वेंटी टू तक uh, सारे इंडिसेस का टाइम आया देन आफ्टर दैट ट्वेंटी टू से ट्वेंटी फोर तक टाइम uh, आया आपका ऑटो सेक्टर का देन आया आपका रियलिटी सेक्टर का देन uh, इस इसी पीरियड में जो टाइम था रियलिटी इन्फ्रा सेक्टर इन्फ्रा रियलिटी उसी के अंदर आ गया देन 23 से ट्वेंटी दैट टाइम केम फॉर द फार्मा सेक्टर से लेकर 23 तक फार्मा सेक्टर वाज डाउन सो सेक्टर रोटेशन वॉज हैनी इन द रियल्टी मनी इन द फार्मा सेक्टर सो दिस मनी ट्रेल इज है सेक्टर ठीक है, अगर आप इस money trail को पकड़ लें कि भैया पहले ऑटो सेक्टर में ठोक दिया ऑटो सेक्टर आप बंप कराया देन उसके बाद आपने मनी ट्रेल ऑटो सेक्टर एंड इंफ्रा आई वुड से बोथ ऑफ दम इंफ्रा में आपने ट्वेंटी टू में डाला तो उसके बाद आपने इसको फार्मा में ठोक दिया अब फार्मा से लेकर आप कहाँ लेकर जा रहे हैं ठीक है अपार्ट फ्रॉम दैट आपने इसमें बीच में कहीं पर एफ भी लगाया एफ में भी लगाएंगे आप एफ के बाद आपने फाइनेंस सेक्टर जो है उसको भी उठाया फाइनेंशियल सेक्टर को भी उठाया अब नाउ वेयर इज इट गोइंग ठीक है सो इफ यू गेट दिस मनी ट्रेल कि वाई दिस सेक्टर रोटेशन इज हैपनिंग उस सेक्टर में इफ यू कैन पिक अंडर वेल्यूड स्टॉक्स क्वालिटी स्टॉक्स स्टॉक्स विच आर एक्सपेक्टिंग सम गुड मोमेंटम ठीक है सो यू कैन गेट अ गुड होल ऑफ दीज काइंड ऑफ एक्स ठीक है सो so, अभी हाल फिलहाल में यू मस्ट एफर्ट people are saying this so let's see why people are saying this Take this is a nifty ka chart okay you will uh, get confused like anything in this chart so i'll just remove these things okay so nifty ke chart mein you will see that market has been continuously on the move yeah mind you i am uh, taking a time frame of monthly time frame so whenever i talk about monthly time frame my time uh, my expectation fixes from three to five years minimum three to five years ka ek expectation set ho hai ki se saal mein i would see a meteoric rise or i would see an exponential growth okay

अंडर वैल्यूड स्टॉक एंड यू आर एक्सपेक्टिंग अ गुड रिटर्न इन दिस देन यू हैव टू टे टाइम फ्रेम थ्री टू फाइव आपको मिनिमम तीन से पांच साल का टाइम फ्रेम उसमें देना पड़ेगा टू सी अ गुड मूमेंटम इन दैट यस तीन साल से पहले अगर आपका टू हंड्रेड परसेंट का रिटर्न आ जाता है हंड्रेड परसेंट का रिटर्न आ जाता है सो दैट इज मोर देन एन आफ यू हैव बीटन द बेस्ट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट थिंक विच इज अवेलेबल टू यू विच इज बैंक एफ डीज Bank FDs are available at 8%. So, you, if you have beaten that, be happy with you that you have done better than banks. Okay. So, that is how I decide what is the future value of money and what is the justice to your money. So, this is what justice to your money, doing justice to your money. So, this is how it is. So, if you could see, people would be saying that. RSI जो है है, 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 बहुत ऊपर ऊपर जा जा चुका चुका से 80 से भी ठीक का yes, एक अलग कंसेप्ट है विच आई फॉलो इफ इट इज एट एटी आई हैविंग अ ग्रेट मोमेंटम राइट एक्सपेक्टेड टू गो गुड एज वेल ठीक है बट अगर ये थोड़ा और भी ऊपर जाएगा आई वोट माइंड आई वोट माइंड कि भैया थोड़ा सा और ऊपर जा रहा है बट येस पीपल कि थोड़ा बहुत वैल्यूएशन का इशू है दैट आई एक्सेप्टेड कि ठीक है अभी ये फेयरली वैल्यूड है आई वुड नॉट से दैट इट इज ओवर वैल्यूड आई वुड से इट इज फेयरली वैल्यूड एंड फॉर एफ आई एज टू पार्टिसिपेट इन द मार्केट इट हैज टू बी अंडर वैल्यूड दिस इज वॉट माई कंसेप्ट इज अंडर होगा तो एफ आई एज विल पुट इट इन द बिकॉज अंडर वैल्यू से फेयरली वैल्यू पर ले जाएंगे अगर फेयरली वैल्यू पर बाय करेंगे तो दे विल टेक इट टू ओवर वैल्यू तक दे विल नॉट टेक द मार्केट सो दे हैव टू एंटर एट अंडर वैल्यूड Uh, अभी कल ही हमारा लेबर डेटा आया है टुडे सिक्स एंड यस्टरडे फिफ्थ जुलाई को लेबर डेटा आया विच इज अ पॉजिटिव साइन एंड नाउ मार्केट इज एक्सपेक्टेड दैट सितंबर में जो फेड का मीट है उसमें रेट कट होने के चांसेस हैं वंस द रेट कट कम्स

फ्रॉम ट्वेंटी वन से लेकर ऑलमोस्ट फॉर कंटिन्यूअस फाइव ईयर्स ट्वेंटी से लेकर फोर ईयर तक ट्वेंटी फोर फोर ईयर तक कंटिन्यूसली देर वॉज अरक राइज मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है ठीक है एट्टी के ऊपर आर एस आई भी जा चुका है दैट आई कैन से ठीक है थोड़ा बहुत ऊपर गया सो दैट इज वाय पीपल आर सी फ्रॉती वैल्यूएशन ठीक है आई विलकम टू ऑल द एंड इज वॉट आई एम ट्राइंग मेक सेंस एंड टिल द टाइम देर आर थिंग्स विच आर नॉ मेकिंग सेंस इन द मार्केट दे आर नॉट राइट इफ दे आर मेकिंग सेंस इन द मार्केट दे आर ऑलवेज राइट सेम थिंग यू हैव सीन दैट ये मार्केट में भैया एक अच्छा खासा आया था ठीक है अगर आप बैक हिस्ट्री भी चेक करेंगे तो यू विल सी दै जब भी कभी एक अच्छा खासा मूव आया है तो उसके बाद कुछ आया। अच्छा खासा अगर move आया, तो कुछ टाइम का एक ड्रॉडाउन आया अगर अच्छा खासा ये वाला मूव नहीं कहूँगा बिकॉज ड्रॉडाउन वॉज टू लेस इवन दो एक अच्छा खासा मूव सो ओवरऑल दिस मूव आई विल टेक सो आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड ड्रॉडाउन ओवर हेयर ठीक है सो धिस ड्रॉडाउन इज दियर सो मार्केट कभी भी ऐसे नहीं जाता है

it is continuously rising from this area then, hua, then uske baad it is continuously rising so one pullback is required and then it will go up again okay. after that we see same financial services it has gone up now see auto sector look at the auto sector these are the monthly time frames these are the monthly candles so auto sector has not exhibited any pullback auto sector has been continuously rising and काफी ज्यादा ऊपर मतलब आई एम एक्सपेक्टिंग बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका है एंड दीज आर द रीजन वाई पीपल आर सीट फ्रॉथी वैल्युएशन आर देर मार्केट इज ऑलरेडी इन अ बुल रन इट इज एट द पीक ऑफ इट्स बुल रन दिस इज वॉट पीपल आर एंटिसिपेटिंग राइट नाउ सो दे आर देसपेक्टिंग थोड़ा बहुत पुल बैक आने के चांसेस एंड वॉट दे आर एक्सपेक्टिंग इज के बजट के बाद थोड़े बहुत चांसेस आने के चांसेस है ये yes.

Uh, कि उसकी एक मंथ की इनकम है ठीक है एंड हर महीने वो पचास हजार रुपए अपना जो है फिफ्टी थाउजेंड रुपीज अपना एस में डालते हैं या फिर म्यूचुअल फंड्स में डालते हैं या फिर अपने घर खरीदने के लिए पैसा डालते हैं बट साल में एक दिन uh, कोई एनिवर्सरी आई या फिर कुछ स्पेशल मूवमेंट आया ओकेजन आया सो दे डिसाइडेड कि भैया इस बार हम क्या करेंगे हम अच्छी जगह घूमने जाएंगे एंड वी विल स्पेंड अ गुड फैमिली टाइम एंड इस एक लाख में से वी विल स्पेंड नियरली अबाउट सेवेंटी थाउजेंड फॉर अवर एम्यूनिटीज uh, अपनी वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए हम इसको यूज करेंगे हम एंजॉय करेंगे सो दिस सेवेंटी थाउजेंड जो है ये कहां से निकलेगा अब ये जो आटा दाल चावल एंड दवाई एफ एम सी जी एंड फार्मा इसमें से तो ये वो नहीं कर सकते एडजस्ट नहीं कर सकते सो दैट इज वाई दीज स्टॉक्स आर द डिफेंसिव स्टॉक्स सदाबहार स्टॉक्स हैं जो पैसा है, ये खाने दाल चावल और दवाई पे खर्चा करते हैं वो तो होगा ही होगा लेकिन जो ये खर्चा अपना घर बचाने के लिए या फिर जो खर्चा अपनी एस आई पी में डालते थे ताकि हम पोटेंशियल uh, ग्रोथ को देख सकें या फिर कोई अच्छी चीज खरीदने के लिए डालते थे विच वॉज फिफ्टी थाउजेंड नाउ दे विल नॉट बी एबल टू स्पेंड दैट मच ऑफ मनी मे बी दे वुड स्पेंड ट्वेंटी थाउजेंड इन दैट एंड दे विल टेक थर्टी थाउजेंड आउट ऑफ इट एंड पोटेड इन देंटी एंड दे विल स्पेंड द मनी एंड डू द वेलफेयर एक्टिविटीज दे विल डू द सेम थिंग आई एम एक्सपेक्टिंग इन दिस बजट पहले हमारा फोकस था केवल कैपेक्स केवल ग्रोथ दो इलेक्शन अपार्ट फ्रॉम दैट 2025 में आपके महाराष्ट्र के भी इलेक्शन है अपार्ट फ्रॉम दैट 2027 में आपका यूपी के इलेक्शन है सो पंजाब एंड हरियाणा आर द फेमर फार्मर बेल्ट 25 में uh, 27 में यूपी इज आल्सो फार्मर बेल्ट एंड महाराष्ट्र इज ऑल्सो लिटिल बिट ऑफ फार्मर साइड जाता है ठीक so uh, so है सो मेजर फार्मा नहीं सॉरी फार्मर सो मेजर फार्मर सेक्टर्स हैं सो जितना ज्यादा आप वेलफेयर की तरफ जाएंगे इनमें सो so उतना ही ज्यादा फर्क आपको 2025 हजार uh, ये पंजाब हरियाणा के इलेक्शंस में यूपी में और महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा ठीक है एंड इनमें मोमेंटम बनना बहुत जरूरी है क्योंकि उसके बाद आपको ट्वेंटी का लोकसभा के इलेक्शन आ जाएंगे सो दैट इज वाई आई एम एक्सपेक्टिंग की बजट में वेलफेयर एक्टिविटीज वुड बी मोर एंड एट द एक्सपेंस ऑफ वॉट एट द एक्सपेंस ऑफ कैपेक्स एट द एक्सपेंस ऑफ ग्रोथ ठीक है सो थोड़ा बहुत उस टाइम पर आपको देखने को मिल सकता है बट बाय दैट टाइम अवर मार्केट मे बिकम अ बिट वैल्यूड एंड वी विल अट्रैक्ट एफ आई एज एज वेल ठीक है सो आर द दिस इज इज सेक्टर गिवन ग्रोथ ठीक है मार्च बाईस के बाद इसने बहुत ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिया है फ्रॉम दिस लेवल एंड इट इज नॉट स्टॉप टिल नाउ सो अगर किसी बंदे ने दस रुपए में कोई स्टॉक uh, खरीदा है एंड वो अभी सौ या चारो रुपए हो चुका है प्रॉफिट तो बिकॉज तो, uh, दो साल के अंदर उसको ऑलरेडी टू हंड्रेड या थ्री हंड्रेड परसेंट का रिटर्न है सो दिसक इज ठीक है सो दिसपल वुड बी डूंग नाउ कमिंग ऑन टू द एफ एमसीजी स्टॉक एफ एम सी जी जैसे कि मैंने बोला हमेशा इट हैज बीन अ डिफेंसिव स्टॉक इट एज गॉन अपट इज गॉन डाउन इट इज गॉन अपट इज एट अ ड्रॉड स्टेज इट इज नॉट गिवन एक्सपोनशियल रिटर्निक राइस एज एज गुड एज Auto sector, okay. Now we'll coming on to the next infra sector. As good as auto sector, it has just been rising continuously. Infrastructure as well, okay? A little bit of drawdown was there at this point of time, but after that, uh, infra sector has also gone berserk and is giving a meteoric rise. Then, this is metal index. Metal index may still going up. It has not given up. Pull back. It has given a drawdown. It has given a sideways market, and then again it has gone up. So metal sector is also continuously rising from so uh, longer time. Then after that, pharma sector. Yes, pharma sector. As I mentioned, in 23, mein, it uh, gave a drawdown, and then after that, it, it started rising. So pharma sector and defensive sector are always a uh, defensive sectors which people tends to invest. Thikhi? because like I said, dal, chawal, and uh, rat ki goli. Nobody would like to miss that. ठीक है सो नेक्स्ट वी विल सी द रियलिटी इंडेक्स सो रियलिटी इंडेक्स में भी देर वॉज अ ड्रॉ डाउन टिल ट्वेंटी थ्री एंड आफ्टर दैट इट इज गिवन अ गुड मिट्योरिक राइस ठीक है सो यू कुड सी अपार्ट फ्रॉम दैट यू सी इन मिड कैप इंडेक्स कंटिन्यूस मिट्योरिक राइस स्मॉल कैप इंडेक्स कंटिन्यूस विद इन दिस टाइम फ्रेम ओनली कंटिन्यूस मिट्योरिक राइस एक आया था मूवमेंट देन एक साल के लिए एक ड्रॉडाउन आया एंड देन अगेन इट इज गॉन अप सो अगेन एक साल के लिए ड्रॉडाउन आने के चांसेस हैं सो वॉट एम ट्राइंग टू से इज दैट इन मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया देर हैज बीन अ गुड म्यूटर राइस फ्रॉम पास टू ईस म्यूट है सो so, एक या दो साल के लिए अगर आपका मंथली टाइम फ्रेम पर एक अच्छा खासा मूवमेंट आ जाता है इफ यू हैव कैप्चर्ड दैट मूवमेंट यानी I could say, कि आई कुड से मैक्सिमम म्यूचुअल फंड हाउसेज है रिटर्न ऑफ नियरली अबाउट फोर्टी परसेंट इन रियालिटी इफ यू सेक्टर इफ यू आस्क मी ठीक है देन अपार्ट फ्रॉम फार्मा सेक्टर इफ यू आस्क मी इंफ्रास्ट्रक्चर सो इन सारे सेक्टर्स में दे हैव गिवन ऑलरेडी वन ईयर का फोर्टी परसेंट एंड टू ईर्स का अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड का इन सब का देखेंगे बैंकिंग ऑफ कोर्स बैंकिंग एज वेल तो इन सब का आप दो साल का अगर सी देखेंगे तो दिस सी ए हैज नियरली अबाउट थर्टी टू फोर्टी परसेंट इजीली एंड इवन मोर देन दैट इन सम इवन मिड कैप एंड स्मॉल कैप एज वेल सो दे ऑल हैव गिवन दीज काइंड ऑफ रिटर्न फॉर नाउ Why? Because of this meteoric rise. Okay. Now, same thing. If a stock of Rs. 10 had reached Rs. 300 to 200, so this guy would like to book the profits as well. So, that is my point. That as of now, market has already uh, uh, gone a rise. There is a rise in the market. Okay. And I am expecting that some kind of profit booking may be seen in the market. Okay. Because market tendency is like this. It will go this. It will go this. It will go this. So, this pullback is imminent. ठीक है इफ यू डू नॉट वॉन्ट टू सी इट योर चॉइस बिकॉज इस टाइम पर आपको ड्रॉ डाउन दिखेगा बट इट इज ठीक है इट इज गोइंग टू हैपन नो वन कैन स्टॉप इट ठीक है सो रिमेंबर दिस थिंग बट द थिंग इज अगर मार्केट नीचे जाएगा देयर आर सर्टेन स्टॉक्स इन द मार्केट देयर इज अ सेक्टर ऑलवेज देयर विल बी अ सेक्टर विच इज गोइंग टू गिव अ गुड रिटर्न इन द मार्केट ठीक है अभी तक वो डिफेंस सेक्टर था डिफेंस सेक्टर था ऑटो सेक्टर था ये फार्मा रियलिटी इंफ्रा बैंकिंग मे कम इन दिस छह kind of महीने एक साल के लिए सम डाउन वुड बी देयर बट उस पीरियड में क्या म्यूचुअल फंड हाउसेज अपना कमाना बंद कर देंगे नो आंसर इज बिग नो दे विल नॉट स्टॉप Investing, and of course they will if they don't stop investing. So they will definitely are going to get some returns. Now, from where these returns are going to come? These sectors have already given an exponential rise, and if index mein selling will index mein profit booking toh, zahir si baat hai, uske small cap, mid cap, and large cap, some mein thoda profit booking aega. That is how the concept of sector rotation comes into the play. सो so, ये जो अभी तक मैंने आप भूमिका बनाई थी ये भूमिका मैंने सिर्फ आपको ये बताने के लिए बनाई थी कि सेक्टर रोटेशन एक कंसेप्ट होता है ठीक है नाउ दिस सेक्टर रोटेशन कंसेप्ट कम्स इन टू प्ले नाउ लेट सी हाउ दीज थिंग्स आर गोइंग टू प्ले इन द मार्केट आई हैव शोन यू ऑल द मैक्सिमम सेक्टर्स मैंने आप लोगों को दिखाया पीएसयू बैंक बैंकिंग निफ्टी दिखा दिया देन आफ्टर दैट आई है I have shown you uh, finance, auto, FMCG, infra, metal, pharma, realty, mid-cap, small-cap. One particular sector that I have not shown you is IT sector. Let's discuss that sector now. When I say that there is a possibility of getting a what? Of getting a, a sector rotation. There is one particular sector, which is Nifty IT Index, which has not given good returns from 2022 till 22. टू ट्वेंटी फोर ओवर अड ऑफ टूर्स दिस सेक्टर इज ईदर है एक्सेप्ट जिसमें कुछ अच्छी न्यूज आई होगी या फिर कुछ उन्होंने टेक ओवर किया होगा सो so, उसमें अलग है किसी ने कोई कंपनी खरीदी सिग्निटी टेक का टेक ओवर किया तब हाई हुआ होगा या फिर कुछ और किया होगा सो दैट इज अ डिफरेंट आस्पेक्ट टूगेदर बट इफ यू आस्क मी द इंडेक्स

सेक्टर्स uh, बाकी के सेक्टर्स में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आएगी एंड दैट मनी ट्रेल विल कम इन टू दिस सेक्टर वाई आई एम दैट दिस सेक्टर इज गोइंग टू बी अ नेक्स्ट डिफेंस सेक्टर इज बिकॉज दिस सेक्टर हैज नॉट येट पार्टिसिपेटेड इन टू ईयर्स ऑफ टाइम फ्रेम इट इज एट इट एज गिवन सब ड्यूड रिटर्न ठीक है कंपेयर टू द अदर मेजर इंडस्ट्रीज ठीक है वाई

सेक्टर्स ये yes, कुछ कुछ स्टॉक्स हैं वो राइज करेंगे ग्रोथ होगी बट मेजोरिटी थोड़ा एज पर फ्यूचर ग्रोथ रेवेन्यू फोरकास्ट एंड इफ आई टॉक अबाउट रेवेन्यू फोरकास्ट ऑफ आई टी सो रेवेन्यू फोरकास्ट जो ट्वेंटी टू में था ट्वेंटी फाइव फाइनेंशियल ईयर के लिए एंड करेंट फाइनेंशियर करंट इ्वेंटी फोर के लिए रेवेन्यू फोरकास्ट है इशू ठीक है एंड ये आई वेन वी टॉक अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड वी नो की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ फ्यूचर हु इज गोइंग टू गेट इट ऑटो फार्मा एफ एमसीजी इंटेलिजेंस हुए ठीक 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 है, 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 इट्स जस्ट दैट इसका इंपैक्ट इनके प्राइस में और ईपीएस में अभी तक नहीं दिखा बिकॉज उन्होंने ऑलरेडी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है नाउ द टाइम हैज कम दैट दे विल रीप द बेनिफिट ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट एंड देयर रेवेन्यू विल ग्रो

डल फॉर्मेशन एंड इट इज अ ट्राइंगल फॉर्मेशन एसेंडिंग ट्राइंगल फॉर्मेशन का एक यह यहां से so आसपास चला जाता है बिकॉज मार्केट हेज ऑलरेडी गिवन एन एक्सपेंडिचर राइज इट इज गिवन अ गुड ड्रॉडाउन इट इज गिवेन अ गुड प्रॉफिट बुकिंग नाउ द टाइम इज कम फॉर इट टू टेक द मेंटल एंड गो अपेन ठीक है ओनली दिस इज द सेक्टर इन पास्ट टू ईयर्स

Okay, if programming will not be programming, how will they be able to make it? So backbone is IT, and backbone has not yet stood up its test of time. Okay, so that is why I am expecting that IT may be the defense, maybe the next defense sector which has seen a meteoric rise in the recent past and from past two years. So that is why this is uh, this index is expected, and this index is expected to give a good breakout.

ये चीजें एडवांस उसमें चली जाती हैं सो आई कैन नॉट टेल यू थिंग्स व्हाट आर इन एडवांस सो इतना ज्यादा मैं डीप नहीं जा पाऊंगा सो आई विल जस्ट टेल यू कि व्हाट हैपेंस ठीक है सो इफ आई जस्ट टेक दिस ठीक है सो इफ आई टेक टेक इट अप ठीक है सो so, मेरा जो प्राइस वैल्यू बता रहा है इट वुड बी हियर समवेयर नो इट वुड बी हियर या नेक्स्ट Yeah. जो मेरा प्राइस मुझे बता रहा है माई एक्सटेंशन एज पर माई अदर स्टडीज एज वेल एंड दीज आर माई एडवांस स्ट्रेटजीज उसकी वजह से आई कैन से येस आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट फ्रॉम थ्री टू फाइव ईयर्स विद ए आई बूम आई टी में हर तीन चार साल के बाद एक बूम आता है नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग आज यू आर वॉचिंग दिसम श्योर आज से तीन या चार साल के बाद आई एम गोइंग टू रिपीट वॉट आई हैम अपॉज आई एम एक्सपेक्टिंग दैट दिस इज गोइंग टू हैपन एज पर माई स्टडीज एज पर माई फंडामेंटल एज पर वॉट एवर आई हैर्न इन द मार्केट टिल डेट दिस इज वॉट my expectation is because market has seen a strong drawdown and now IT is expected to give a next uh, rise. Now अगर IT index में इतना अच्छा खासा आने वाला है, so you would be having a question कि sir IT में तो आपने बता दिया IT index में आने वाला है, so IT index में क्या-क्या आ सकता है? So IT index में if you see देखिए अगर आप uh, if you are not good with stocks, ठीक है if you are not at all good with stocks, the best possible ways is ITBs. जस्ट इन्वेस्ट सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट आई टी बीज में डालिए ठीक है अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन चेक आउट म्यूचुअल फंडल में कुछ थे तो इसके लिए मैंने किया था प्लीज वॉच दैट वीडियो लो कि वॉट आर थे बिलीव मी इफ यू फाइंड अ गुड थेट इज हाउ

So please do watch that video of mine. So if you are not good in stocks, you can invest in ITPs, you, you can invest in thematic funds, you can uh, mutual funds. Mein aap mein SIP, SIP may bulk ball sake, and SIP is SIP would be recommendable as well. So you can start doing SIPs in that. So if you are able to get an index or you are able to get some stocks which are undervalued presently, quality, and you are expecting some good momentum in that, then you can actually make big in next three to five years to come.

निफ्टी आईटी इंडेक्स फंड रिटर्न यू कैन इन्वेस्ट इन दोज म्यूचुअल फंड ऑल्सो या फिर आप उसी का रेप्लीकेट करके स्टॉक्स को भी बाय कर सकते हैं नाउ लेट्स जस्ट सी थोड़े बहुत स्टॉक्स के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि व्हाट इज द थिंग सो इफ यू आस्क मी दिस इन्फोसिस इन्फोसिस इज ऑलरेडी ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग अ गुड ब्रेकआउट विच इज अ डाउनवर्ड ट्रेंडिंग लाइन है okay this is uh, giving a good breakout and it is not a, just a coincidence that index is also about to give a good breakout and infi is also about to give a good breakout and over a period of time you will see that there are n number of it stocks which are expected to give a good breakdown okay so it, these are not just coincidence these are patterns these are this is data okay this is what i have been trying to tell okay and uh, these are this is hcl tech uh, a little bit of uh, this thing is there apart from that vipro vipra has been giving breakout from so long in my trading secret channel if you could scroll it back <clears throat> i told this stock nearly about 380 or 370 that this stock is uh, downward trend so upper then after that it again gave a breakout at 440 it has already given a breakout over here in downward trend line so this is also poised for a good recovery uh, then apart from that tech mahindra has also given a breakout emphasis

फोर्च अगेन एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देने वाला है विच इज अइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ ब्रेकआउट सो दिस इज द ब्रेकआउट लेवल इट इज एन एसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न विच इज गंग टू बिकम आफ्टर दैट एलटीटी गिवन अज्रेकआउट फाइव थाउजेंड एंड इट एज ऑलरेडी टचड इट इज ऑल बिकॉज ऑफ न्यूज एंड द थिंग्स विच एज कम अपन दिस स्टॉक अपार्ट फ्रॉम दैट बिर्ला सॉफ्ट इट गेव अउट इन थ्री सिक्सटीन यट नाउ अगेन इट एज गि गुड रिप्लेसमेंट now again it is expected to give a uh, expected to give a good move then mastec it is also about to give a good breakout on monthly time frame tata lxc cams cdsl have already given a breakout i have already uh, mentioned uh, these uh, breakouts of these stocks in my channel at uh, 2400 and at cdsl at 1300 new gen is a good stock uh, as well this is also doing good in uh, recent times it had given a breakout on daily time frame at here taken now again it is going it is expected to give a good breakout above 1000 levels a breakout at 800 levels so it has already moved good now this thing Apart from that, happiest mind. Yeah, happiest mind is a good stock. Abhi recently promoter has just uh, given a stake sale, and uh, huge volumes had come after that sale. And then they have given a future forecast, revenue forecast also. the diya, which is they are saying that uh, revenue is expected to grow with a potential of twenty five percent. So it is still on the drawdown line. So this stock can be kept on uh, ice Apart from that, persistent system, persistent system has also given a good breakout as of now. So you could see now when it index is on the verge of giving a good breakout it's already uh breakout when there was a drawdown this uh, falling pattern already breakout started uh, uh, giving a upward journey upward journey start so that that is the time when most of the it. stocks have already <clears throat> been picked up so now it is not just a coincidence that since it index is nearing to its uh, breakout area,

So I am expecting that I hope I will be writing this too Theke? and as per data, it suggests the same thing as well. okay So in mid midcap sector, uh, uh, there are many uh, uh, good things people have already doing as uh, strong coverage for Vipro, <clears throat> large cap main fee and apart from that uh, Birla soft emphasis, Birla soft and uh, persistent system.

that kind of rise I have, we have seen in the different indices. Okay, so that is why I am saying कि this is the next uh, index for next three to five years and it will see a good uh, a good rise in the future. big all because of AI. Okay, है, एक boom आएगा. उस boom के बाद तीन चार साल के बाद एक crash भी आएगा. याद रखिएगा इस चीज को. ठीक है सो so, एक बूम आना जरूरी है सत्ताईस अट्ठाइस के बाद मे बी एक छोटा मोटा क्रैश भी आ सकता है ठीक है बिकॉज एक बूम आता है उसके बाद एक छोटा क्रैश आता है मार्केट थोड़ा सा फेयरली वैल्यू और अंडर वैल्यू की तरफ आएगा देन अगेन पीपल विल बाय देन अगेन इट विल टेक इट अप फॉर नेक्स्ट फाइव टू टेन ईयर्स सो दैट इज द थिंग ठीक है सो आई होप यू हैव लाइक वॉट यू हैव सीन वॉट आई एम ट्राइंग टू टीच जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ शायद आप लोग वो समझ पाए होंगे i hope you have liked this video and if you have really liked this video i request you to please hit the like button and please do comment uh, whether you agree to what i am trying to say or you have indifference in opinion which i am fully, uh, fully i fully accept yes you may have a difference in opinion as well you may have you can think otherwise as well okay this is my understanding of the market which i am sharing with you guys okay that's it nothing else nothing more than that it is just for educational video last disclaimer i am not a registered iea so please do not take my words as as it is it is as per my own knowledge which i am sharing with you guys and you are free to have difference in opinion and but i hope i am sure you guys must have learned something out of it so, if you have learned something out of it, and yes, uh, in last, I would like to say ki, if you have not joined my channel, you can join my uh, trading secrets channel, trading secrets 88 channel, take, and in which I give uh, levels and breakout patterns and I try to teach as much as possible. And apart from this, this is one more message that there are few people, uh, those who are using my trading secrets logo and my trading secrets name and giving these kind of stupid things. कि एक घंटे में पच्चीस हजार का एक लाख तो दिस गाय कैन इवन बीट वॉरेन बोफे विद इन फ्यू मंथ्स इफ ही इज सो श्योर अबाउट इट सो प्लीज कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज भी किया था कि सर ये क्या आपका है सो लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट एंड क्लियर आई डू नॉट नो दिस गाय आई हैव ट्राइड टू आई हैव ऑलरेडी रेज्ड अ फ्लैग ऑन दिस आई हैव ऑलरेडी डन अ कंप्लेंट्स एंड नंबर ऑफ कंप्लेंट्स आई हैव ऑलरेडी डन फ्रॉम माय साइड सो आई वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज इसके खिलाफ आप जितना कंप्लेंट हो सकता है करिए बिकॉज दिस इज द फ्रॉड

ठीक है अपने एंड इसने तेरह साल की उम्र में स्टार्ट किया था ठीक है चौबीस साल की उम्र के बाद से ही स्टार्टेड ट्वेंटी इफ यू है एंड इन बेवकूफों के चक्कर में तो प्लीज मत पड़िएगा ठीक है बिकॉज सर ये आपका हम लगा दें मैं तो पैसा लगाने वाला था तो यार आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है ठीक है ये तो है ही लेकिन अगर ये आपको बेवकूफ बना पा रहा है तो इट मीन

Take care. i hope you have uh, learned a lot in this video and uh, in future also i will try to bring such kind of videos to you and that's it from my side and thank you very much and uh, have a good day happy trading take care